नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बहराइच में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार डंपर की ऑटो से भिड़ंत, मौके पर 5 लोगों ने दम तोड़ा, 10 घायल। लखनऊ मार्ग पर कैसरगंज कस्बे में गुरुवार रात 1 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। ऑटो सवार लोगों को एक डंपर ने रौंद दिया। हादसे में ऑटो सवार 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करा, मृत लोगों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सभी लोग तिलक कार्यक्रम से वापस अपने घर जा रहे थे। जिले के हुजूरपुर थाना क्षेत्र के ग्रामपुरानी निवासी मनसाराम की बेटी का विवाह कैसरगंज कोतवाली क्षेत्र के रुकनापुर गाँव में तय हुआ था। गुरुवार को तिलक कार्यक्रम था जिस पर मनसाराम रिश्तेदार और परिवार के लोगों के साथ तिलक लेकर रुकनापुर गांव ऑटो से गया था। तिलक कार्यक्रम निपटाने के बाद सभी रात में वापस लौट रहे थे। रात 1 बजे आसपास सभी लोग ऑटो सवार लखनऊ बहराइच मार्ग पर कैसरगंज कोतवाली मदनी हॉस्पिटल के सामने पहुंचे। तेज रफ्तार में डंपर ने ऑटो को रौंद दिया। हादसे में मौके पर 5 लोगों की मौत हो गई, इसमें लड़की की बहन भी शामिल है जबकि 10 लोग घायल हुए गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गया। कोतवाल मदन सिंह CEO कमलेश सिंह, SDM महेश कुमार कौशल भी पहुंच गए। पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया। कोतवाल ने बताया कि हादसे में ऑटो सवार 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल। उन्होंने अब बताया कि डंपर चालक दुर्घटना के बाद फरार हो गया, इसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई है। न्यूज नाइन भारत के लिए रजनीश सिंह की खास रिपोर्ट। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।